हेलो गाइस, चेबी किसान व्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सुबह से खेत में देखने के लिए, और ये कॉटन है जो कपास कहते हैं गुजराती में। अब हम जा रहे हैं हमारे खेत के जो तुअर लगाई है एक खेत में, वही जा रहे हैं अभी, तो चलते हैं अभी। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं सब कैसा हुआ है। और ये देखिए, इनको मक्का पक गई है अभी, और वो अभी वहाँ पे लगाई है। और ये जो प्लॉट है उसका बियरन है, जो कॉटन होता है उसका प्लॉटिंग किया जाता है, और 400 से 450 तक किलो में ये बिकता है। इसका जो बीज है वो 500 के आसपास होता है इसका भाव। तो चलते हैं आगे। तो किसान भाइयों, देखिए ये तुअर है, जो तुअर दाल जो सूखने पर होती है वही, और ये बहुत ही अच्छी हुई है। पर अभी इसके जो फूल है वो अभी अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी, और ये बहुत ही अच्छी हुई है और इसमें अब बैठने लगी है तुअर, देख सकते हो। ये देखिए अभी बैठी है अभी, और ये बहुत ही अच्छी हुई है। पर इनके जो फूल है अभी गिर जाते हैं, और अच्छी तरह से अभी बैठती नहीं है। ये देखिए पूरा खेत भरा है इसका, और हम सुबह के टाइम पे आए हैं यहाँ पे। और जो हमने घास लगाई है गायों के लिए, पशुओं के लिए चारा करने के लिए, और आप ऊपर से देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हुई है। पर अभी इसमें थोड़ी सी जो कीटनाशक होती है वो आ चुकी है अभी, तो इसके लिए हमें दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। और जो आप भी इसका उपयोग जानना चाहते हो तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम इसका कुछ उपाय आपको बताएंगे तो आपकी भी अच्छी होगी पैदावार। और तुअर में अच्छी पैदावार ले सकोगे आप। ओ देखिए पूरा खेत भरा है हमने, अगली बार भी हमने पूरी खेत में से लगभग हमने 60 से 70 हज़ार की हरी तुअर को बेचा था, और इसकी बहुत ही मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। देखिए किसान भाई अभी यहाँ तक अभी फूल नहीं आए हैं, वहाँ पर आए हैं, और अभी उसमें थोड़ा सा, तो हम आगे चलते हैं अभी। ये दीवल है जो एरंडी होती है, इसका लगभग अभी 1200 से 1300 रुपये का भाव है अभी। तो अब खेत से आगे चलते हैं, अभी दूसरे खेत में चलते हैं। आज का सुबह को सभी को गुड मॉर्निंग, जय माता जी, शुभ सवार गुजराती में। शुभ सवार। तो चलते हैं आगे। आप देख सकते हो ये भी प्लॉटिंग है और ये भी है, पर इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और ये अभी जो कॉटन कहते हैं वो अभी निकल चुका है, जो उसकी कैरी होती है उसमें से, और इस तरफ भी निकल चुका है, आप देख सकते हो अभी। और इसमें बहुत ही चारा हो चुका है अभी,
और आज मुझे भीगना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं सुबह में व्लॉग बनाने निकला हूँ। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको मिलती रहेगी। और इसके ऊपर बहुत ही गहरी लगी है, आप देख सकते हो अभी, ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी है अभी, छोड़ पे। तो हम आगे चलते हैं। और ये हमने गाय भैंसों के लिए चारा लगाया था, इसमें बहुत ही अच्छा हुआ था, और इसे अभी काट लिया है, अब दूसरी बार लगाना है हमें। और ये मक्का है हमारे चाचा की, इसमें इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए हमें मक्का बहुत ही कम पैदावार देगी। जो मेरे चाचा ने इसमें से जो चारा है वो सब निकाल लिया होता और इसकी अच्छे से निंदामन की होती तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार देता। जैसे हमारी मक्का, हमने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया है अभी। और ये देखिए बैंगन की खेती है, और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा घास है, अभी इन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की, इसलिए यहाँ पर ये अभी नहीं बैठे हैं, अभी देख सकते हो अभी आप। अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये लगभग, मैंने किया था पर ये 20 दिनों के अंदर बैठने चालू हो जाते हैं। हमने एक बार लगाई थी, और हम किसान भाई तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और ये दीवल है, जो इसमें काली या जो कीड़े आते हैं उसको निकालने के लिए भी एक ट्रीटमेंट है, जो आपको मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। जो काले कीड़े आते हैं बहुत ही पत्ते खा जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। और जो हमारी मक्का है अभी वो पक चुकी है, और इसको हमने यहाँ से तोड़ लिया है, और ये सिर्फ वैसे ही खड़ी है चारे की तरह। और मक्का हम घर पे ले गए हैं अभी। और ये जो हमने करेली और लौकी लगाई थी वो खेत है अभी, इसका हमने सब बेले टूट गई थी और सूख गई थी, इसलिए हमने इसको हटा लिया, और अब दूसरी खेती, इसलिए हम लगता है अब भिंडी की खेती होगी इसमें। तो देखते हैं कौन सी खेती होती है, जो अच्छी पैदावार मिली तो बैंगन भी लगाएंगे और भिंडी भी लगाएंगे। चलिए किसान भाई आज चलते हैं। और यहाँ पर हमारे चाचा ने रहने के लिए ऊपर एक छत सा बनाया था, जो यहाँ पर रात को रहते थे, जो भूंड और सुअर आते थे, इसीलिए मक्का के लिए। और ये हमारे चाचा का प्लॉटिंग है, ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इस बार तो बहुत ही फैल जाने वाली है सभी खेती, पर ये जो दीवेल और एंडे की खेती है बहुत ही अच्छी है, पर पैदावार कितनी देती है ये पता नहीं है। तो चलते हैं, इसमें तो मैं भीग गया हूँ पूरा, क्योंकि आज बहुत ही जाकर के टीपे पड़े हैं, ये देखिए पूरा भीग चुका हूँ अभी। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चलो।
और ये देखिए उड़द अब बैठ चुके हैं। अभी जो इसकी सिंगे है वो आपको दिखाता हूँ। अभी ये पक भी गए हैं अभी, पर यहाँ पर अभी बैठने भी चालू है। ये देखिए उड़द निकालते हैं हम, पर यार बहुत बिगड़ रही है खेती, क्योंकि इसमें घास भी बहुत लग गया है अभी। और हम आ चुके हैं हमारे जो वाल की सब्जी, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसकी सब्जी आप देख सकते हो अभी। और ये बेले भी बहुत अच्छी हुई है, ये देखिए मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और अभी तक फूले नहीं आए, अभी फूल आएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बैठनी चालू हो जाएगी। लगभग इसमें से एक बार जो इसमें से लेंगे तो लगभग 100 से 120 किलो तक इसमें से निकलेगी। और ये लगभग पाँचवें महीने तक चलती रहेगी। और इसका भाव भी बहुत ही हाई है, 1200 से 1300 रुपये का भाव है प्रति 20 किलो का। और हम अंदर जाके देखते हैं कैसा है सब नज़ारा। अभी अभी बहुत ही कम लगता है, बहुत ही अच्छी पैदावार अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी यहाँ पर फूल आने अभी चालू नहीं हुए, अभी थोड़े थोड़े हुए हैं, तो जैसे ही फूल चालू हो गए यहाँ पर पैदावार चालू हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ जगह खाली है, और यहाँ पर कीड़े भी बहुत खा रहे हैं, इसीलिए इसका दवा छिड़काव करना पड़ेगा। और इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती है वे आपको मैं बताऊंगा, जो इसके लिए किसान भाइयों यूज़ करते हैं जो इसको निपटाने में। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है जो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप दोपहर के समय सोते हो तो भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी। और अभी यहाँ पर छींटे नीचे गिर रहे हैं, जो रात के समय के जो चाकल होते हैं उसकी टीपे पड़ते हैं, वही बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जैसे कि हमने जो द्राक्ष होती है उसकी खेती की हो वैसा लगता है अभी ये। और ये अभी उसके पौधे जो पकने लगे हैं, ज़्यादा होने लगे हैं, और ये पकते रहेंगे और नीचे गिरते रहेंगे। जब तक इसके पत्ते कम नहीं होंगे तब तक इसकी पैदावार नहीं मिलेगी आपको। जब तक थोड़ी थोड़ी जगह ना पड़ जाए तब तक आपको इसकी पैदावार नहीं मिलेगी, क्योंकि धूप नीचे ज़मीन पर पड़ेगी तभी ही आपको इसकी पैदावार चालू हो जाएगी। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप। और अभी हम पैदावार नहीं चालू होगी तो भी कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। या ये दो बार नहीं ले पाएंगे हम इसका पैदावार, तीसरी बार तो मिलेगा पर अच्छी तो रहेगी। और इस बार तो बारिश भी कम हुई है। और ये देखिए यहाँ से कुछ जो छोड़ है वो सूख गए अभी, यहाँ पर बहुत ही सूखने लगे हैं। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कुछ वायरस है इसीलिए ये सूखने लगी है यहाँ पर सभी, देखिए इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना ये एक तरफ से सूख ही जाएगी। और इस पे दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा, जो कीटनाशक होते हैं इसको सुखाते रहते हैं। और इसमें कौन कौन सी दवाई लगती है आप भी जानते हो तो आप भी नई ट्रिक बताइएगा, और हम भी जानते होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, जो हमारे यहाँ पर दवाई यूज़ करते हैं वो भी।
तो चलते हैं आगे। ये हमने सुअरों के लिए तार लगाए थे, देखिए। और यहाँ पर जो पप्पी है, जो होते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत ही मक्का इन्होंने खा लिया अभी। ये खा खा कर पूरा बिगाड़ दिया। ये देखिए मक्का की क्या हालत कर दी है, सभी मक्कों की ऐसी हालत कर दी है। ये खाते कम है और बिगाड़ते ज़्यादा है, पर पंछियों को क्या करें यार। ये देखिए उड़कर जा रहे हैं अभी। ये देखिए तो किसान भाई, ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे किसान भाई है, और ये मक्का बहुत ही बिगाड़ दी है। ये देखिए भाइयों क्या करे किसान, तो हर तरफ से बेसहारा हो रहा है अभी। और ये देखिए इस तरफ भी बहुत ही पपीहे आते हैं यहाँ पर, और सारा बिगाड़ कर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर, और ये मक्का भी पक गई है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरी लाल हो चुकी है अभी, और इसे आज तोड़ना है हमें। और इसको आज तोड़कर घर पे ले जाएंगे सीधा। और आपने कभी इसको सेक कर खाया नहीं होगा, जो किसान भाई है वो तो रोज़ खाते होंगे अभी के टाइम पर तो। और जो किसान नहीं है वो इसका लाभ उठाना हो तो हमारे घर पे आ जाइएगा, आपको हम खिलाएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए वो पंछी जा रहे हैं अभी, जो ये मक्का खाने हर रोज़ आते हैं, सौ सौ की टोली पे आते हैं सब। और जो हमारा कुआ है वो यहाँ पर है अभी, इसमें से हम अभी पानी नहीं निकालते क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ज़मीन में भेज है अभी। तो आपको हमारा कुआ भी दिखा देता हूँ, पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था। और यहाँ पर अभी पानी है इसमें अभी, देखिए अभी बहुत ही ऊपर पानी है अभी, पर पता नहीं अब कितनी देर तक यहाँ पर ऊपर रहेगा, ये सूखने तो लगेगा ही क्योंकि बारिश हुई नहीं अभी तक। और जो हमारी वो रिवर है अभी अच्छी तरह से आई नहीं, पानी आया नहीं उसमें, इसीलिए अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर सारे जो पैरेट है यहाँ पर ऊपर बैठे हैं, आपको मैं उड़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी ये तो उड़ ही नहीं रहे हैं, क्या करे इसका, तो बोल रहे हैं पर उड़ते नहीं है। देखिए वो जा रहा है अभी, तो चलते हैं आगे के खेत में। तो किसान भाइयों इस बार हमारी मक्का बहुत ही अच्छी हुई है, इसमें से लगभग 2 ट्रैक्टर से ज़्यादा हमारे 2 ट्रॉली होती है, 1.5 फीट की वो पूरी भर कर गई है आज। और इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी मिली है हमें, और हमने इसकी बहुत ही ट्रीटमेंट की है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने रात के समय जो सुअर आते हैं वो उनके लिए बहुत ही हमने बचाई है, वरना ये तो कुछ भी नहीं रहता। और आपको मैं मक्का भी दिखा देता हूँ हमारे घर पे जाके, तो आप देख सकते हो
तो चलते हैं अब घर की तरफ, कुछ आगे खेत में चलते हैं। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे हम आए हैं तो हम, और भाइयों वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो आप भी किसान हो तो। और जब हम हंस के बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हम सब फेंक रहे हैं अभी, इसलिए हम सीरियसली कहते हैं कि खेत में कभी मजाक नहीं किया जाता, जो मजाक करते हैं तो खेत में कुछ नहीं ला सकते हम घर पे, और ये बहुत ही सीरियस मामला है। तो चलते हैं आगे के खेत में, जो हमारी तरह इन्होंने भी वाल लगाई है, और इन्होंने हमारे से लगभग एक महीना आगे लगाई थी, और इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी हो रही है अभी इसकी, क्योंकि ये अलग ही बियारण है जो को दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे चालू हो गई है ये, और आप भी कर सकते हैं इसकी खेती। इसमें से लगभग आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा, इसमें 10 से 15 हज़ार का जो दवाई का खर्च निकालोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छी इनकम मिलेगी इसमें से, और आप ये खेती बहुत ही अच्छी कर सकते हो। तो चलते हैं आगे के खेत में। तो किसान भाइयों, ये भी इसकी मक्का है जो अभी हमारे चाचा ने ले ली है, और ये घर पे ले गए हैं अभी, और आपको मैं सभी की मक्का दिखा देता हूँ किन किन की वैरायटी अच्छी है अभी। और जो हमारा कॉटन सीड्स है वो अभी पूरा बिगड़ चुका है, क्योंकि ये सूखने लगा है, और इसकी ट्रीटमेंट चालू है फिर भी ये सूख ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा हो चुका है अभी, और इसमें अभी फूल आने बंद हो चुके हैं, तो इसके लिए हमने पूरी ट्रीटमेंट की है, फिर भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और ये पकता ही जा रहा है अभी। तो चलिए हम बताते हैं हम घर पे जो मक्का कितनी अच्छी हुई है, और छत पे चढ़ के बताते हैं आपको हम। तो चलते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारी मक्का है जो छोटे छोटे से खेत में लगाई थी हमने, और ये बहुत ही अच्छी मक्का हुई है अभी, और एक खेत की अभी जो मैंने वीडियो अभी बनाई है वो अभी बाकी है। तो ये बहुत ही अच्छी मक्का है अभी, देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े मक्का हैं ये देखिए, ये अभी सूखेगी तो ये एकदम लाल हो जाएगी, जो अभी थोड़ी थोड़ी वाइट दिख रही है अभी। तो आप भी अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको मैं वीडियो डालूँगा जो इसकी मक्का की खेती होती है पूरी तरह से। और ये हमारा घर है जो इसकी छत है दो भाइयों का, और ये तीसरा मेरे पापा उसको खुद के लिए बना रहे अभी, और मेरे चाचा का घर है अभी, और ये हमारा गांव है।